सरपंच संघ के बैनर तले जिले भर के सरपंचों ने कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान को सौंपा है। इस दौरान सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष भागीरथ पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इन दिनों ग्राम पंचायतों में शासन द्वारा किसी भी प्रकार का फंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, जबकि मजदूरी का औसत रेट 350 से अधिक चल रहा है। सरपंच संघ की ओर से मेमोरेंडम दिया गया है, अगर 15 दिवस के अंदर मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरपंच संघ ने नीतिगत विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिससे अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि महिला सरपंचों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन द्वारा ट्रेनिंग कराई जा रही है और छतरपुर जिले में भी निर्वाचित महिला सरपंचों की शीघ्र ट्रेनिंग कराई जाएगी। वहीं एक सवाल के जवाब में जिला सीईओ तपस्या परिहार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पलायन को लेकर विभिन्न ग्राम पंचायतों से पलायन करने वाले लोगों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि ऐसे लोगों को जागरूक करके पंचायतों में ही रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर से आए सरपंच मौजूद रहे। तो उनके जनरल नीतिगत विषय थे जिन पर वो उनकी कुछ मांगे हैं, तो उनको हम राज्य शासन तक पहुंचा रहे हैं कि ये मांगे प्राप्त हुई हैं। और कुछ उनके स्पेसिफिक इश्यूज हैं पंचायतों में, अपनी अपनी पंचायतों में, कि कहीं पर उनका कहना है कि रोजगार सहायक काम नहीं कर रहे हैं, सचिव काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ उनका मेल जोल ठीक नहीं है, चुनाव के बाद वो चेंज नहीं हुए हैं। तो इस तरह के इश्यूज हैं जिसमें लगातार हमारे द्वारा जाँच भी कराई जा रही है, और आज भी मैंने काफी देर तक सभी के साथ चर्चा की और सबके विषयों को सुना है। आवेदन ये सरपंचों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, जो ऑनलाइन है जी, और मनरेगा वाले काम भी 204 रुपए में लेबर से 200 व 400 रुपए की जाए, ऐसी बहुत सी समस्या है सरपंच लोगों की, तो उसके लिए ज्ञापन दिया है। आज हमारे सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष भागीरथ पटेल साहब के नेतृत्व में, जो ग्राम पंचायत सोनौरा के सरपंच हैं, समस्त जिले के अलग अलग क्षेत्रों से, सभी ब्लॉकों से सरपंच बंधु आज अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और शासन से अपनी मांग रखने के लिए इधर एकत्रित हुए, और हमने इस संबंध में अपना एक ज्ञापन रखा माननीय कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री के नाम से हमने कलेक्टर, अपर कलेक्टर महोदय को सौंपा।